हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है अंडर व्हाट कंडीशन ऑन स्केलर, ये जो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, अच्छा इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर स्पेस है वो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल का मतलब 1, 2, 2, 3 इस फॉर्म में। सी यहाँ पर हमने जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट किया है। कई बार एफ भी फील्ड यूज कर लेते हैं, यहाँ पर सी फील्ड यूज किया। तो आपसे कहा है किस कंडीशन में ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब लीनियरली डिपेंडेंट में आपने क्या सीखा था कि अल्फा v1 प्लस बीटा v2 जीरो के इक्वल होता है, और जो आपके पास स्केलर्स होते हैं वो भी किसके इक्वल होते हैं? जीरो के। तो अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक हो गया। दूसरा तरीका है, यहां पर पहले से इन्होंने कह दिया है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपको बताना है कि वो कंडीशन क्या है जिस कंडीशन पे ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो एक तरीका और बताया था कि आप इसको क्या करें, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखें और जीरो के इक्वल रख दें, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल आता है। तो ऊपर तो हो गया 1 माइनस a 1 प्लस a, और ये हो गया आपका 1 प्लस a 1 माइनस a, और ये किसके इक्वल है? जीरो के। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस a का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो a जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब a इक्वल टू जीरो वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे बेसिस पर ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। ये कंडीशन हमें यहाँ पर निकालनी थी और कुछ नहीं करना था। अच्छा, अगला हमारे पास ये है, आपको u v w तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। आपको क्या है? प्रूव करो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक तरीका तो आपके पास ये है, क्या है तरीका? कि अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस डब्लू है अल्फा, हाँ, तो गामा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों जीरो होते हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो अल्फा और बीटा में एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो होगा ही होगा, ठीक है? दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते बस। लेकिन अगले वाले में कहा कि प्रूफ करो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ये वाली कंडीशन रखनी ही रखनी है, अल्फा मल्टीप्लाई यू, यू की जगह आप 1, 2, -3 रखेंगे, बीटा मल्टीप्लाई वी, वी की जगह 1, 3, 2 रखेंगे, गामा मल्टीप्लाई w2 -1, 5 रखेंगे, और इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है? अब यहां से आपको तीन इक्वेशन मिलेंगी, उन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, और अल्फा बीटा गामा आपका जीरो ही आएगा। तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं यू वी और डब्ल्यू ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप प्रूफ कर दो कि ये जो वेक्टर्स हैं, पहला है 1, 2, -3, दूसरा है 1, -3, 2, और तीसरा है 2, -1, 5, इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है ये कि जो तीन वेक्टर्स हैं ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो तरीका है, मैं ये वाला तरीका तो चलो इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाता हूं। अब आपको पता है इन तीनों को लेकर इक्वेशन जो बनेगी कुछ यू बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी बनेगी 2 अल्फा -3 बीटा -गामा इक्वल टू जीरो। तीसरी इक्वेशन बनेगी -3 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 5 गामा इक्वल टू जीरो। अब हमें ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन दो इक्वेशन को मैं जरा यहां लिख लेता हूं, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू जीरो, और दूसरी क्वेश्चन है 2 अल्फा -3 बीटा -गामा इक्वल टू जीरो। अब एलिमिनेशन मेथड का अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो ओवरऑल इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी।
अब दोनों इक्वेशन को मैं सेपरेट कर देता हूं तो ये कट गया, ये हमारे पास आ गया 5 बीटा और ये आ गया हमारे पास 5 गामा इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो ये बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन यहाँ बनकर आ गई है। तो ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है उससे हमें एक नई इक्वेशन यहाँ पर मिल गई है, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप दूसरी तीसरी भी कर सकते हो, चलो मैं ज्यादा आसान पड़ेगा तो मैं पहली और तीसरी लेता हूँ। तो पहली है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0 और तीसरी है -3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा इक्वल टू 0। अब ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नहीं 3 से करते हैं इस बार, 3 3 और ये 6 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास 5 बीटा और यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 11 गामा इक्वल टू 0। अब आप खुद देखें ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है 5 बीटा प्लस 5 गामा इक्वल टू 0 और ये आ गई मेरे पास 5 बीटा प्लस 11 गामा इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सेपरेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली गामा 0 के इक्वल आ रहा है। गामा को कहीं पर ही पुट कर दो तो उससे बीटा 0 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा को तीनों इक्वेशन में से, इन तीनों इक्वेशन में से कहीं पर ही पुट करो, अल्फा भी 0 आ जाएगा। तो जब तीनों के तीनों स्केलर 0 आ जाएंगे तो उन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए।